नमस्ते, दिवीज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पनीर चिली मोमोज। ये काफी टेस्टी और हेल्दी भी है। सबसे पहले मैंने लिया है 1.5 कप मैदा, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम एकदम टाइट डो बांधेंगे। टाइट डो जैसे हम भाकरी का कैसे एकदम टाइट डो बांधते, बस उसी तरह हमें एकदम टाइट डो बांधना। अब 1 टीस्पून जितना ऑयल लेंगे और थोड़ी देर तक इसे अच्छी तरह से गूंथेंगे। हमारा डो रेडी है, हम इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट करने रख देंगे। तब तक हम स्टफिंग तैयार कर रहे हैं। स्टफिंग के लिए हमने लिया है 1 कप ग्रेटेड गोभी, एकदम बारीक कटी हुई कैप्सिकम, 1 कप ग्रेटेड पनीर, 1/2 कप ग्रेटेड चीज़ और 1/2 कप कोरिएंडर लीव्स। इस सब को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मसाले में हम लेंगे 1 टीस्पून सूट पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 3 ग्रीन चिलीज और स्वाद अनुसार नमक। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी हम मोमोज बनाएंगे। तो हमने थोड़ा सा डो ले लिया है, इसको हम अच्छी तरह से रोल कर देंगे। एकदम थीन रोल करना है। अभी हम थोड़ा सा स्टफिंग डालेंगे। मैंने सेंटर से इसे होल्ड किया है और इस तरह हमें मोमोज फोल्ड करना है। अगर आपको ये स्टाइल में नहीं जमे तो मैं आपको एक इजी स्टाइल और बताती हूँ। 1 टीस्पून हम स्टफिंग ले लेंगे। अभी हम सेंटर से होल्ड करके पूरा अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे और बस दोनों एजेस को जॉइंट कर देंगे। देखो, हमारा मोमोज रेडी है। हमने स्टीमर रेडी करने रख दिया है। थोड़ा सा बेस में ग्रीस कर देंगे और सारे मोमोज इसमें स्टीम करने हम रख रहे हैं। लगभग हमें 5 to 7 मिनट स्टीम करना है। लो, तैयार है हमारे डिलीशियस यम्मी यम्मी मोमोज। तो चलो सर्व करते हैं।